मैं आपके साथ किरण कुशवाहा। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी की ताकत दिखाई। बताते शुक्रवार 26 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए क्वालिफायर दो मुकाबले में गिल ने धमाकेदार अंदाज में शतक जमाया। इसकी बदौलत गुजरात ने यह मैच 62 से जीत कर फाइनल में एंट्री मार ली। अब फाइनल मुकाबले में गुजरात की टक्कर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम से होगी। यह खिताबी मुकाबला रविवार 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। अब देखना यह है कि गुजरात में यह मुकाबला आखिर कौन जीतता है, जबकि गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद में हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुकाबला भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम से है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर जीत किसकी होगी। वहीं इस क्वालिफायर दो मुकाबले में मुंबई टीम अपनी खराब गेंदबाजी और फिर बदकिस्मती से हारी है। बता दें, सबसे पहले मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया तो उन्हें उनके ही गेंदबाजों ने धोखा दे दिया। वहीं गिल ने शुरुआत से ही मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 60 गेंदों पर 10 छक्के और 7 चौके जमाकर 129 रन जड़ दिए। साथ ही स्ट्राइक रेट 215 का रहा। इसके साथ ही गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी उम्र अभी महज 23 साल है। वहीं गिल की पारी के बदौलत गुजरात टीम ने मुंबई के सामने 234 रनों का टारगेट सेट किया। जब मुंबई टीम बैटिंग करने उतरी तो बदकिस्मती आड़े आ गई।